नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। धर्म गंगा में आज बात एक ऐसे ख़ास देश की, ऐसे विशेष राष्ट्र की जिसका हम भारतीयों को भी अभिमान है। दक्षिण अमेरिका में एक देश का नाम है उरुग्वे, स्पेनिश में उरुग्वाई कहते हैं इसको, क्योंकि वहाँ की भाषा स्पेनिश है इसलिए वो लोग अपने आप को उरुग्वाई कहते हैं। उरुग्वे में ऐसा क्या है जिसके लिए भारत उनकी तरफ देखता है और हम लोग निराशा के साथ देखते हैं कि काश भारत में भी उरुग्वे जैसा होता, हम ये सोचते हैं और उदास हो जाते हैं। उरुग्वे एक ऐसा देश है जिसमें औसतन हर आदमी के पास 4 गाय है और पूरे विश्व में जो वो खेती के मामले में नंबर 1 की पोजीशन में है। आप जानते हैं इस बात को, 33 लाख लोगों का देश है उरुग्वे और 1,20,00,000 गाय है। यहाँ पर हर एक गाय के कान पर इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा रखी गई है, चिंता मत कीजिए, चिपकाई गई है, काट करके ऑपरेट करके नहीं लगाई गई है। इसमें कौन सी गाय कहाँ पर है उनको दिखता रहता है, इस इलेक्ट्रॉनिक चिप से उनको ये फ़ायदा होता है। एक किसान मशीन के अंदर बैठा फसल कटाई कर रहा है तो दूसरा उसे स्क्रीन पर जोड़ता है कि फसल का डाटा क्या है। वहाँ के किसान भी इतने कंप्यूटर एजुकेटेड है, कंप्यूटर लिटरेट है। हमारे किसान अगर निरक्षर है तो क्या हुआ, क्या हम उनको कंप्यूटर लिटरेट कर सकते हैं? क्या हम उनको बता सकते हैं कि किस तरह से ज़्यादा बेहतर तरीके से वो खेती करें कंप्यूटर की मदद से? सरकार को इसके लिए आगे आना होगा। इकट्ठा किया हुआ डाटा जो वहाँ के किसान अपने कंप्यूटर पर देखते हैं, उरुग्वे के वो किसान प्रति वर्ग मीटर की पैदावार का विश्लेषण खुद करते हैं। उनके प्रति वर्ग मीटर में कितनी खेती हुई है कंप्यूटर के डाटा के माध्यम से वो ये कार्य करते हैं, उसका विश्लेषण करने का। बात करें आज से 17 साल पहले 2005 की, 33 लाखों लोगों का देश उस समय था, 90 लाख लोगों के लिए अनाज पैदा करता था और आज की तारीख में 2,80,00,000 लोगों के लिए अनाज पैदा करता है। कौन? उरुग्वे। उरुग्वे याद रखिए, उरुग्वे साउथ अमेरिका का देश। उरुग्वे के सफल प्रदर्शन के पीछे उसके देश की नीतियाँ, देश के नायक, नीति नायक, देश के राजनीतिज्ञ, देश के किसान और पशुपालकों का दशकों का परिश्रम शामिल है। पूरी खेती को देखने के लिए 500 कृषि इंजीनियर लगाए गए हैं और ये लोग ड्रोन और सैटेलाइट के माध्यम से किसानों पर नज़र रखते हैं कि खेती का वही तरीका वो लोग अपना रहे हैं कि नहीं जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। यानी दूध, दही, घी, मक्खन के साथ साथ आबादी से कई गुना ज़्यादा के अनाज का उत्पादन ये तय किया गया है सरकार के द्वारा और इसको करके दिखा रहे हैं वहाँ के किसान। सब अनाज, दूध, दही, घी, मक्खन आराम से निर्यात होते हैं और हर किसान लाखों की कमाई करता है। एक आदमी की, यानी कि उरुग्वे के एक नागरिक की कम से कम आय 1,25,000 रुपये महीने की है, यानी $1,90,000 सालाना के वो कमाते हैं। कौन? उरुग्वे के नागरिक। इस देश का राष्ट्रीय चिन्ह सूर्य है, याद रखिए सूर्य इस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रीय प्रगति चिन्ह गाय है और घोड़ा है, ध्यान से देखिए, इस देश का राष्ट्रीय चिन्ह सूर्य है और राष्ट्रीय प्रगति चिन्ह गाय है, घोड़ा है। उरुग्वे में गाय की हत्या पर तत्काल फांसी का कानून बनाया गया है। धन्यवाद है इस गौ प्रेमी देश को, भारत को भी सीखना चाहिए जो गोपाल का देश है, कृष्ण का देश है, जो कि गौ प्रेमी थे, गौ वत्सल थे, गौ की सेवा करते थे, उनका संदेश था गौ प्रेम का भारत में। लेकिन दुर्भाग्य से गाय की हत्या होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि यदि ये सभी गौ धन भारतीय है, जिसे वहाँ इंडियन काउ के तौर पर जाना जाता है, वहाँ पे अमेरिकन काउ नहीं है। उरुग्वे में जो गाय है वो भारतीय गाय कहलाती है, वहाँ पर इंडियन काउ यानी कि जो भारत में गाय है बिल्कुल वही ब्रीड उनकी है। दुख इस बात का है कि भारत में गोहत्या होती है और उरुग्वे में, सुन लीजिए ध्यान से, उरुग्वे में गोहत्या करने पर मृत्युदंड होता है। वहाँ के कानून ने तय किया है फांसी मिलेगी उस आदमी को जो गौहत्या करेगा। क्या हम इस कृषक राष्ट्र उरुग्वे से कुछ सीख सकते हैं? क्या हमारे नीति निर्धारक, हमारे नेता क्या इस दिशा में कुछ कर सकते हैं? यह प्रश्न अपने उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। हम जाते जाते आपसे हमेशा की तरह कहेंगे
पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। वंदे सुरभि धेनु मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।